बोल शंकर भगवान की जय। वन मोर फोटो तो पूरी ऐसे की जाती है मायनी। इंडिया का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज आ गया भाई, कितना बड़ा है। राम राम भाई सारिया ने, गुड मॉर्निंग। आज बिस्ट को लेके जा रहे हैं लॉन्ग ट्रिप पे। ट्रिप का आपको पता लग जाएगा या तो थंबनेल से या फिर वो लोग पूरा देखने पे। ले भाई चलते हैं, ट्रिप स्टार्ट हो गई है भाई। और ट्रिप में कौन कौन साथ है उनको उठाना पड़ेगा पहले, कौन कौन है। और ये एक तो आ गया भाई, एक और आ गया, एक और पिकअप कर लिया। लो भाई एक और मेंबर। राम राम भाई सारिया ने, राम राम भाई सारिया ने दो मेंबर को लेना है और फिर गाड़ी फुल एक मेंबर डर का। तो भाई दो मेंबर और जुड़गा, मामा श्री हेलो हाय करो और राहुल। हाँ भाई फुल हो गई और अब पता लगेगा कि इसका माइलेज पूरी रेंज सब। भाई ये बनास नदी आ गई, व्हाइट कलर ले ब्लैक। हाँ तो भाई सब कोई चल रहे था रोड पे। ट्रिप की दरगी है उज्जैन महाकाल। मामा श्री आप बताओ कुछ भाई, कल लेट नाइट को प्लान था। हाँ 11 बजे कटिंग करा गया। बीच के अंदर कोई ना आ गया हमारे। हमने अब तक एक भी रिटेक नहीं लिया है। मैंने जिनी दिखाना दे लोकेशन दिखा, मतलब मैंने रे मतलब जी यू बस लड़ने आ जाने पे दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल के। जैसा कि ये चीज तो आपको रमेश भैया ने बता दी पहले भी कि कहां पे हो गए, कहां पे टॉक को हो चुके कोटा आने वाले। अरे मार के बाद तो मतलब ये चाहिए कि मुझे इनका कोई भरोसा नहीं था कि ये जाएंगे नहीं जाएंगे, तो इसलिए मेरा पहले प्लान नहीं था। रात को उन्होंने कटिंग करवाई, उन्होंने 10 बजे से गए। अब ये कटिंग इन्होंने कटिंग वटिंग भी करा ली थी, लेकिन मुझे फिर भी इनके भरोसा नहीं था। क्या है ना ये बीच में प्लान कभी कैंसिल कर देते हैं, अगर मैं भी इनके साथ जुड़ा था तो मैं भी एक हादसे का पात्र बन जाता। मैं जब अजय भी आए सुबह घर पे तब मुझे लगा कि ये जा रहे तो पूरा, तब से मेरा भी प्लान बन गया आने का। बूंदी खड़े हैं कोटा के पास और ये देखो किशोरपुरा टोल प्लाजा में आपका स्वागत है। और किशोरपुरा तो हमारे रहता हूँ वहाँ गांव का नाम है। तो गाइस मक्की निकाली जा रही है, मक्की नहीं निकल रही, काट दियो मक्की। हाँ बिल्कुल मक्की काट दियो, रात को नहीं निकाली ले तो। रमेश ये वो गाड़ी का गेट बहुत भारी लग रहा है, सच्ची बात है। बिल्कुल 100% है। अभी टोल पे रुके, अभी भी ऑटो खड़े, देखो गाड़ी देखते ही टोल अपने आप। आप इतने रुपए खर्च कर रहे हैं टोल देने की कहाँ पर जरूरत है। इस गाड़ी के 10 लाख रुपए तो हमने सरकार को यूं कह के दे दिए कि हमारे पास बहुत पैसा है। ये सच्ची बात है क्या मुकेश भैया? हाँ अजीब गेट को पकड़िए बैठे, देखिए डर लग रहा है आपको। भाई राजस्थान में पानी जो लोग कहते हैं ना वही पानी नहीं है, क्या लोकेशन है भाई। भाई मन तो डर लग गया, दो दिन दो रात ला जाए। देखो रात धन देखो पहली सीमेंट फैक्ट्री शुरुआत चालू हुई लाकेरी बूंदी में। पहली बूंदी में लगी तोड़ मचा फेमस तोड़ मचा ज्यादा बाहर।
और व्हाइट सीमेंट की जे नागौर में कॉटन नागौर व्हाइट सीमेंट की फैक्ट्री। और जिन भी कोई आरसों ले लेनो जने तो बोझ भी एक बार तो संपर्क कर लीजिए। ये बढ़ती आरएस पर जाऊंगा मैं, ये लाल बच्ची लेर को मला अगले अगले बार को मला देते अकाल सामना दोबारा आरएस पर बाद में। रमेश भाई साहब हां जी तन का इलाका जी की उज्जैन में काल का जबर नहीं खाई चाहता तो लो आदमी बस रास्ता है अपन ये तो गाड़ी रे दो चार दोस्त पांच दस अरे एक जाए गाड़ी कोई बढ़िया 30-35 लाख की और और ये रही सीमेंट फैक्ट्री। आई होली मैं हिसाब से सीमेंट फैक्ट्री घूमर सीखो मांगी जी मन तो खूब दिन घूमता लेकिन आज में देखे वो लोग इंडिया का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज आ गया कोटा में है, गाड़ी तो लेगी। ले भाई सनरूफ का फायदा है ये तो, नदी को तो ब्लॉक कर रखा है। और ये ब्रिज इंडिया का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज जो कोटा में है भाई कितना बड़ा है। बट सोच रहे थे कोई आलू मारे लो कोई जाओ जाओ तुम ये ट्रक कैसे आ रहे हैं केजीएफ तो ना की पुलिस भी गाड़ी भी साथ से वैसे एक गाड़ी और जा रही है हमारे साथ आज किसी यार डिग्री से तार डोंगर भी दिखा देता हूँ डोंगर बहुत पत्थर ही पत्थर है। हाँ पत्थर बहुत है ये तो जमीन में यहाँ की मिट्टी में पत्थर ही है जहाँ पे देख रहे पत्थर ही मिल रहे हैं मुझे। हाँ साउथ ही साइड में गया था तिरुपति में सर मुंडन को तो कोई भगवान भाई श्रद्धा खतरनाक ये तो पता चल गया की सबसे ज्यादा आबादी जयपुर के अंदर ही यहाँ पर तो कोई 50 किलोमीटर चलते हैं मतलब चार पांच आदमी खेत में कोई सो रहा है गायब है वो जरा डंडी ने कहा था पानी मुझे प्यास लगी मैं भाई जो बोलते हैं राजस्थान में पानी नहीं है देखा भाई इंडिया में सबसे ज्यादा बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की है वो गाड़ी जा रही है आप देख सकते हैं अरे ये सबसे ज्यादा रोड पे मिलेगी आपको। अरे भाई अब की बार सस्पेंशन का मजा आया अब की बार पता लगा देख अब की बार मजा है ना सर हाँ हाँ अब की बार है ना डेस्टिनेशन 165 किलोमीटर दूर इतनी सारी भेड़ बकरियाँ देख लो आपने तो देखी नहीं होगी नहीं हमने तो नहीं देखी ये कह रहे गाड़ी कह रहे भाई पूरे 415 किलोमीटर आने के बाद गाड़ी को स्टॉप किया है। गाड़ी को तो नहीं वैसे हमें ही लेना था क्योंकि हमें नाश्ता वास्ता बीच में ब्रेक लेना था। इस रेस्टोरेंट पे रुके हैं देख रहे हो उधर भाई पाड़ा पाड़ी सब तो अपनी जैसे ये कुछ अलग देखने की नहीं है कोई आने की जरूरत नहीं है। स्टॉप के बाद हमने लिए पानी और चाय और अजय भाई तो झूठ बोल रहे हैं 415 किलोमीटर तो चल के आ ही नहीं सकते इस गाड़ी के अंदर मुझे जैसे लगा कि अभी तो स्टार्ट हुए अपन तो बोले भाई नहीं 415 किलोमीटर मतलब गाड़ी चल के आई अपन नहीं अपन तो बैठ के आए थे हम चले थे 11 बजे के आसपास और अभी टाइम कितना हो रहा है 3 बज चुके हैं। बोली समझ में नहीं आ रही कौन सी नमकीन बेल फेमस है क्या बंदे जो तो परेशान थे
कांजीपुर। ये है नमकीन बेल भाई। ये है देखो एमपी में गाइस, दूर दूर तक कोई गढ़ नहीं है। यहाँ पे पहुंच चुकी है, ये सबसे तेज चल रही है पहुंच चुकी हमें। ये हवा खाने के लिए बनाई गई थी वैसे तो, और मैं बता रही थी फायदा बुनने का ही थी। कौन से किए से बिजली का उत्पादन अपने रिस्क पर निकले बाहर। गाइस मुझको पीछे बैठा दिया गया है। यहाँ पे क्या है ना, विंड ब्लो बहुत ज्यादा तेज है और यहाँ पे माउंटेन्स भी है, बाहर निकल इस वजह से यहाँ पर पवन चक्की लगाई गई है बहुत ज्यादा। और यहाँ पे वैसे तो रिवर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी यार मुझे समझ नहीं आ रहा पवन चक्की से बिजली क्यों उड़ा रहे हैं। बेशक आवड़ी चीज जरूर भाई, ठंडी थोड़ी सी कुंडी तो कौन दिख रही खाली बहुत है। ये है काली सिंधी नदी, शानदार वहाँ इधर तो खाली। ये उज्जैन में देख लो भाई, फाइनली उज्जैन पहुंच चुके हैं। और यहाँ से 200 से 300 मीटर दूर ही महाकाल का मंदिर है। फाइनली रूम ले लिया, और ये रूम है। पहली बार ऐसे नहीं, मैं तो सारा है पहली बार का, मामा सिरी का अलावा। और शीशो उज्जैन के साथ आओ लो, उज्जैन महाकाल सही है ना। वो लोग तो सूट करके आते रास्ता में, जो भी आते बस वो लोग जल्दी आओ। तो 10 मिनट को चाहो था, हम लोग एक आदमी भी कर सकते। ये कोई बात थोड़ी है, सारी जानकार है अपने। तो रमेश भैया ये ढाबे से पहले दान परमिशन लेनी पड़ी जी, नहीं यही मन मना रहा है। परमिशन किसकी लेनी पड़ती है, जैसे आप शादीशुदा इंसान हो। बिल्कुल कुछ नहीं, अपने फुल परमिशन है भाई। 7:45 हो रहे और अब निकले हैं यहाँ के मार्केट में घूमने के लिए, और पास ही मंदिर है भाई। ये है इनका मार्केट भाई, यहाँ पे गाड़ी वाड़ी अंदर नहीं आती, वहाँ पे बैरिकेड लग चुके हैं। क्या है, हम रात को पहले चेक करके आ जाते हैं क्या प्रोसीजर है। नगरी तो शानदार बनाई हुई है भाई। अब मंदिर में एंट्री होगी, और मंदिर में आगे मतलब यहाँ पे बस माहौल देखने के लिए आए, सुबह आरती के टाइम पर आना होगा वैसे तो। और हमें बस में आरती देखनी थी। मैं आपको ये बता दूँ कि बस में आरती आप ऑनलाइन बुक करा सकते हो, या फिर यहाँ पे बुक कराओगे तो एक दो दिन बाद में मिलेगी आपको एंट्री। भाई क्या शानदार मूर्तियाँ बनाई हुई है यहाँ पे, व्यू बहुत अच्छा है। हाँ व्यू शानदार है भाई। मंदिर तो शानदार है, बाहर का एरिया थोड़ा भीड़ भड़ा का बहुत ज्यादा हो रखा है, सड़क छोटी है। ये देखो भारत माता मंदिर, श्री माँ कालेश्वर भक्त निवास माधव सेवा न्यास उज्जैन। भाई शानदार मंदिर बनाया हुआ है, बहुत शानदार। अंदर आने के बाद जो सिटी में परेशान हुए ना, वो सब कुछ भूल जाते हो आप। मंदिर काफी बड़ा है, काम अभी भी चल रहा है, और भी रास्ते निकाले जा रहे हैं डायरेक्ट सिटी से आने के लिए। यहाँ ये मणिभद्र की मूर्ति लगाई हुई है, अंदर से बिल्कुल शानदार बनाया हुआ है। यहाँ पे पानी पीने के लिए है, महाकाल की मूर्ति। मूर्तियाँ तो बहुत सारी लगाई हुई है, और मंदिर भी बहुत बड़ा है, लगभग 1-1.5 किलोमीटर के आसपास है भाई। जितनी मूर्तियाँ है, जितनी दिखा पा रहा हूँ उससे ज्यादा है, वीडियो में आप कम ही देख पाओगे, इतनी ज्यादा मूर्ति है। और लोकेशन तो एक नंबर बनाई हुई है घूमने के लिए भाई, शानदार है। तो अरमन बता रहे यार, कोई बना बता कहीं करूं पता। तो बार पर दिखा, तो अभी देखना मैं यहाँ से पैर उठाऊंगा, और यहाँ पे अपने आप लाइट दिखेगी, लाइट जल जाएगी। और ये देखिए, ओ भाई मैं चाहता हूँ कि ये चमत्कार यहाँ पे पूरे महाकाल के मंदिर में हो, तो इसलिए मैं सभी जगह पैर। ये देखो मेरे को भी शक्ति मिल गई भाई, ये मेरा चमत्कार किया, मैंने जहाँ पर भी कदम रखे हैं वहाँ पर ये लाइट लाइट। भाई वन मोर नंदी के साथ अब की बार।
यहाँ पे दीवारों पे भी स्टेचूज बनाई गई है, कलाकृति की गई है, शानदार मूर्तियां बनाई गई है भाई। और ये वन मोर शिव जी का चांद विराजते हुए किया, और इस जो काम किया गया है ना इतना शानदार किया गया है कि मैं मतलब आपको वीडियो में नहीं दिखा सकता। और एक और मूर्ति यहाँ पर दीवारों की जो कलाकृति है भाई क्या ही बताऊं। जो यहाँ पे स्टेचूज बनाए हुए हैं वो सप्तऋषि मंडल है, शिव स्तंभ, ये शिव स्तंभ आ गया और सात ऋषि चारों। मैं जितना बोलूं उतना कम है भाई यहाँ के लिए। ये आ गया बोल शंकर भगवान की जय। भाई लोकेशन को क्या शानदार बना रहा है। और ये शिव जी की मूर्ति, और शिव जी के ऊपर चोटी पर भी वाटरफॉल हो रहा है भाई, पानी चल रहा है। ये यहाँ पे शिव जी का त्रिशूल। ओम। एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जिंदगी में कहीं आओ मत जाओ, यहाँ पर जरूर आओ भाई। इतनी प्यारी लोकेशन है ना, इतनी शानदार लोकेशन है, मन खुश हो जाएगा भाई यहाँ का। और ये श्लोक, आकाशे तारके लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंग त्रयम नमोस्तुते। और ये गणेश जी की मूर्ति, इस साइड से आते हैं तो ये प्रवेश द्वार है, और सिटी के अंदर से आते हैं तो पास पड़ता है मंदिर। और ये जो मैंने आपको रास्ते में दिखाई पूरा मंदिर, मतलब इतनी सारी मूर्ति, इतनी सारा आर्ट किया गया ना इस पे, जितना बताऊं उतना कम है भाई। अब जा रहे हैं वापस, और ये त्रिशूल पहले मिस हो गई थी चांद के साथ, अब यहाँ पे फोटोशूट लेंगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी जेसीबी देखने को मिली है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे, देख लो भाई। पास का आदमी मिला थे अपना घर का ही, राम राम भाई साहब। अपन बिल्कुल मतलब सजेशन दिया था कि यहाँ जाचे और यहाँ ही करना था ने। और अपन एक बाद में कौन सा दर्शन करना था, काल में रोज है। हाँ दिखा कर वो जरूरी है। अंडे बार थे अंडे रहो जो। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आगे आओला जल्दी मिलना। ओडी मर्सिडीज फॉर्च्यूनर सब बीएमडब्ल्यू सब में घूम रहे आज, कुकू में और घूम रहे, यही काम देते हैं भाई भीड़ बढ़ा के में, तो यही काम देते हैं। अब मंदिर से आगे रूम पे अब, हाँ अब खाना वाना ऑर्डर करेंगे और फिर सुबह की आरती देखेंगे। कितो किलोमीटर को एरिया जो आप आ चुके हैं, जहाँ 203 किलोमीटर 203 जहाँ खाना आ चुका है। ये राइस दाल मटर पनीर